A very good evening to all of you. This time we have brought something really different and special for all of you in our live session. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में. पूरा ये जो दिसंबर का महीना है, हम इससे माइंड बॉडी फर्टिलिटी मंथ के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे, आपसे बातचीत कराएंगे कि हम ट्रीटमेंट तो ठीक है, वो अपनी साथ अपना चल रहा है, परंतु साथ में हम अपने स्ट्रेस को किस तरह से कंट्रोल में रखें, अपने डाइट को किस तरह से अच्छा करें, किस तरह से एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे वी आर एबल टू गिव अ होलिस्टिक सॉल्यूशन टू ऑल द कपल्स हु कम टू अस. जॉइनिंग मी टुडे, आई एम रियली सो ग्लैड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर काकोली रॉय. मैडम जो है बहुत सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. She is working in the field of mental health for last almost 36 years. Yes. And her grasp on especially the women's issues like infertility, domestic issues, it is so good that I have personally seen lives being transformed by her guidance and her treatments. So really a very, very warm welcome to you, ma'am. And Thank I hope you. that we can have a wonderful discussion today and which will benefit so many couples. I wish, yes. मैम, सबसे पहले मैं इसी बारे में आपसे पूछना चाहूंगी. इनफर्टिलिटी जो है एक बीमारी नहीं है, इससे कहीं कोई तकलीफ शारीरिक नहीं होती ऐसा समझा जाता है. हाँ जी. तो फिर इसके साथ ही इतना सारा स्ट्रेस क्यों जुड़ा हुआ रहता है? ओके प्रिया, मैं इस तरह से बात करूं कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ना जिसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा. ये जो चाइल्ड बर्थ की बात है, इसको भी शायद हम लोगों ने ऐसे ही ले लिया है और सेकंड ऑप्शंस के लिए रूम ही नहीं है, सेकंड ऑप्शंस के लिए किसी के पास कोई कभी सोचता ही नहीं है कि नहीं होगा ना. तो क्योंकि वो एक्सेप्टेंस का की जगह ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक एक डर्रे की सोच बन जाती है कि यस होना ही है. और जब कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट या अनएक्सपेक्टेड लाइफ सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, तो स्ट्रेस होता है ना, तो हम उस चीज को डील नहीं कर पाते क्योंकि हमने कभी उसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है. और जब हम एक्सपेक्ट कोई चीज नहीं करते हैं और वो हमारे सामने आ जाती है, हमको सुनाई पड़ता है, हमको दिखाई पड़ता है, हम उसको स्वीकार करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बन के खड़ी हो जाती है. तो पहला कारण है कि अनएक्सपेक्टेड इश्यू है कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है. दूसरा, मैं इसका थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाऊं तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारे नीड्स हैं, हमारी लाइफ की नीड्स हैं, भूख, प्यास, नींद, सांस लेना, बेसिक नीड्स, और उसके बाद सेक्स. जो भूख, प्यास, नींद और सांस लेना, ये चारों चीजें हैं, ये अगर हम नहीं करें तो हमारा सर्वाइवल नहीं होगा, वी विल नॉट बी देयर इन दिस वर्ल्ड. लेकिन सेक्स एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम जी जाएंगे लेकिन हमारी स्पेसीज का अंत हो जाएगा, हमारी हमारे वंश का अंत हो जाएगा, हमारी आगे जीवन नहीं चलेगा. तो इसलिए शायद वो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा बेसिक नीड बन गया है और हमारा कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रेशर बन गया है, सोसाइटी का, परिवार वालों का, घर वालों का, कि शादी करनी ही है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. शादी हो गई तो अब बच्चे पैदा करने, रिप्रोडक्शन इज द मेन थिंग जो हमें करना ही है, और वो नहीं ये मानने को हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है. तो ये मेन कारण होता है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन या हमारा स्ट्रेस, जैसे ही हम सुनते हैं तो हमको एक सदमा लगता है और हमको हमारा स्ट्रेस शुरू हो जाता है. तो इनफर्टिलिटी जैसे अचानक कोई भी चीज, किसी की इलनेस है या एक्सीडेंट है या फेलियर है, कोई किसी भी तरह का कोई भी फेलियर है जिसको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो जब आ जाता है तो हम एक ह्यूज डिप्रेशन, एक सदमा, एक शॉक से गुजरते हैं. बिल्कुल वैसे ही ये भी जब हम सुनते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज को, तो वो प्रोसेस आना जरूरी होता है लोगों में. तो इसलिए आ जाता है ना. एक और चीज भी होती है इसमें कि हम कंपेयर करने लगते हैं, अरे उनकी इतनी साल शादी के हो गए,
उनके पास है और मेरे पास नहीं है, तो ये जो एक कंपैरिजन है वो सोशल प्रेशर में सारी चीजें आती हैं कि परिवार वाले पूछने लगते हैं कि अब कब खबर सुना रहे हो, सोसाइटी वाले पूछने लगते हैं, तो इतनी जवाब देना, इतना लोगों को फेस करना, ये सब स्ट्रेस का कारण बनता चला जाता है। एज ए डॉक्टर यदि अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में समझा है कि ये जो थोड़ा सा स्ट्रेस है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आजकल कपल्स बिजी रहते हैं अपना करियर में, लाइफ में, पर जब इस तरह का कोई इवेंट होता है कि घर में आपसे छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई और उसको बच्चा हो गया, आपको नहीं हुआ, तो ये जो स्ट्रेस है ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और ये एक्चुअली उन्हें लेकर आता है डॉक्टर के पास कि चलिए अब हम इसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट करें। तो जो थोड़ा अमाउंट है स्ट्रेस का वो एक्चुअली दैट एड्स इन द ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर। अगर कोई बिल्कुल ही निश्चिंत हो, उसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो क्यों अस्पताल आएगा, क्यों वेटिंग रूम में बैठ के और सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में सोचेगा करेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो थोड़ा सा स्ट्रेस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमें आगे ले जाता है ट्रीटमेंट के रास्ते पे, उसके रेजोल्यूशन की तरफ, वो ही जो है वो उस लिमिट तक नहीं रह पाता और उस लिमिट से आगे चला जाता है। जब ये स्ट्रेस उस लिमिट से आगे चला जाता है, तब आपको आपने क्या देखा है कि क्या किसमें ये परिवर्तित हो जाता है और किस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है? आप जिस स्ट्रेस की बात कर रही हैं डॉक्टर प्रिया, वो एक्चुअली हम लोग इसको, हम साइकोलॉजिस्ट उसको यू स्ट्रेस कहते हैं, जो कि जरूरी है जीवन में, है ना। एग्जामिनेशन के समय अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो तो शायद हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। वैसे हर चीज में थोड़ा बहुत स्ट्रेस की जरूरत है, जिसकी बात आप कर रही हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम लोग उसको स्ट्रेस डायग्नोज कर रहे हैं, तब ये वो स्ट्रेस नहीं, मोटिवेशनल स्ट्रेस नहीं है, ये कहीं उससे ज्यादा है। तो ये जैसे ही अगर हम लोग स्ट्रेट इसमें आए हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए जो होता है, तो सबसे पहले जो चीज होती है वो एक वो शॉकिंग स्टेज होता है, कि हमें एक धक्का लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ तो नहीं हो सकता है। एंड डिनायल आने लगता है कि नहीं 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 हो सकता है। तो शॉक एंड डिनायल साथ में ही होने लगता है ना। उसके अलावा ग्रीव, डिप्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, ये सारे इमोशंस उमड़ घुमड़ कर हमारे सामने आने लगते हैं, और ये इतना ज्यादा इंटेंस होते हैं कि हम दिन भर यही सोचते रहते हैं। फिर तो हमारा काम, दूसरी दूसरी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सब में भी हमारा प्रभाव पड़ता है। इवन हमारे रिलेशनशिप में फर्क पड़ने लगता है। तो जो और चीजें पाई जाती हैं वो ये है कि हमारा पार्टनर या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगते हैं, ना केवल स्पाउस, फैमिली वालों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस, क्योंकि हम अवॉइड करने लगते हैं ऐसे समय में। कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लग जाता है, ठेस पहुंचती है, हर्ट होते हैं, तो ऐसे समय में फिर हम इंटरेक्शन को अवॉइड करने लगते हैं, आइसोलेट करने लगते हैं अपने आप को, और ज्यादा सोचते हैं। जब आइसोलेट करते हैं तो हम और ज्यादा सोचते हैं, तो ये सारी चीजें बढ़ती, इंटेंसिटी इसकी बढ़ती चली जाती है। दिखाई जब देता है, जब या तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं हमारे अंदर, या फिर जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, सांस तेज चलने लगना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, हर समय घबराहट होना, ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, या फिर हम बिल्कुल आइसोलेट होकर अलग हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अकेले रहना, सेल्फ ब्लेम, सेल्फ ब्लेम, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, कि मेरे ही कारण से हो रहा है, मैं ही इस चीज को, मैं ही इसका कारण हूं, और ये जो होता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिखने लगती हैं, हमारी डेली लाइफ के रूटीन में दिखने लगती हैं। ऐसा देखा गया है कि न केवल स्ट्रेस इनफर्टिलिटी की वजह से हो रहा है, बल्कि स्ट्रेस के कारण से भी हमारा कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शंस होने लगते हैं, रिलेशनशिप और मतलब इतनी इंटीमेसी नहीं हो पाती, और जिसके कारण से और भी इस लॉन्गर पीरियड या आगे चलना या इन चीजों को समझना, स्वीकार करने में डिले, ये सब चीज होने लगता है। तो आपने बहुत बिल्कुल सही ज्यादा बताया मैम, बिल्कुल करेक्ट। बिकॉज इन दिस लॉकडाउन पीरियड हमने जो क्लिनिकली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत जी, सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या टेकीज थे जो बड़े शहरों में मेट्रोज में रहते थे, इनफर्टिलिटी का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हाँ बिकॉज ऑफ जी, लॉकडाउन वो अपने अपने होम टाउन में वापस आए, वर्क फ्रॉम होम बाद में चालू हुआ, तो वो जो एक बहुत से रिलैक्स केसेस बढ़ गए। हो गया हाँ ना,
तो वी हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जो अपने आप ही कंसीव हो गए, जिनके आईवीएफ फेलियर्स हो गए थे वो भी अपने आप ही कंसीव हो गए. तो यही एक मतलब दिस इज द बिगेस्ट एविडेंस कि स्ट्रेस केवल इनफर्टिलिटी के कारण नहीं होता, बल्कि इनफर्टिलिटी भी स्ट्रेस के कारण हो जाती यस है. यस इट इज अ साइकिल, कभी कभी उसके कारण से भी ये होता है. और जो हम लोग देख रहे हैं कि ये कोई मतलब अकेला इंसान नहीं है जिसको हो रहा है. अगर हम लोग रिसर्चेस देखें और इसके प्रिवलेंसेस देखें तो 10-14% इज क्वाइट हाई ना. इतना पॉपुलेशन का इतना बड़ा एक पार्ट इससे जूझता है, तो हम अकेले तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोगों को है, लेकिन एक्सेप्टेंस आज भी इसमें बहुत डिले होता है इसमें. दूसरा एक एज अ डॉक्टर जो मुझे हमेशा लगता है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर अगर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करे तो लगभग 100% नहीं तो भी 80-90% या तो हम पूरे तरह से ठीक हो जाते हैं और या फिर हमें कुछ काफी परसेंटेज तक रिलीफ हो जाता है. संतानहीनता एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं कि देखिए प्रेगनेंसी होने की कोई गारंटी नहीं है. और ये इतना शॉकिंग लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि साइंस इतना आगे बढ़ गया है और इतना महंगा ट्रीटमेंट है, बार बार आना पड़ेगा और इसमें कोई गारंटी ही नहीं है. और ये एक सर्वे में भी देखा गया है कि सबसे बड़ा डिटरेंट कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे या हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे वो इसी चीज के लिए है कि ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी. डॉक्टर अपनी निपुणता के साथ, अपने एक्सपर्टीज के साथ भी नहीं बता पाते कि आपको फाइनली मतलब कंसीव होगा कि नहीं होगा. तो इस अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करें, क्या इसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी? जी, बिल्कुल. ये जो आपने शब्द बोला अनसर्टेनिटी, ये अपने आप में ही बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है किसी किसी भी कपल में, किसी भी लोगों में बहुत, कि होगा या नहीं होगा ना, ठीक होगा या नहीं होगा. जैसे कोरोना के समय हम सबने देखा अनसर्टेनिटी है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, तो एक बहुत एंजाइटी, एक स्ट्रेस रहा लोगों में, रहता ही है कि पता नहीं क्या होने वाला, फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है. तो ये अनसर्टेनिटी हमेशा ही स्ट्रेस को जन्म देता है. तो नेचुरली जब वही मैंने कहा कि हम दूसरा ऑप्शन सोच ही नहीं पाते हैं, संतानहीनता वाला ऑप्शन जो है कि मेरे बच्चे नहीं होंगे या फिर हम लोग कुछ और ऑप्शन ढूंढेंगे इसके लिए, ये तो बहुत दिन देर बाद या बहुत मुश्किल से ही कोई चुनता है या स्वीकार करता है उसको. उसके पहले वो यही सोचने लगता है कि अगर हुआ भी है, डॉक्टर ने कहा भी है, एक्सपर्ट्स ने हमसे कह भी दिया है, तो भी क्या हुआ, या तो ये गलत है या ठीक हो जाएगा. तो हम उस उम्मीद को, मतलब हमारा लक्ष्य एक ही होता है कि पैदा करना, बच्चा पैदा करना है, वही हमारा लक्ष्य है, उसके अलावा कोई दूसरा चॉइस है ही नहीं. तो जब चॉइस ही नहीं है तो क्या होता है कि हम उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, और वो अनसर्टेनिटी हमें स्ट्रेस को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते. नतीजन होता यह है कि न केवल डॉक्टर, डॉक्टर्स के पास तो जाते हैं तो हमें कहीं सही ऑप्शंस दिखते हैं और चॉइस करने के लिए वो अल्टरनेटिव तरीके बताते हैं. उसके पहले फेथ हीलर्स, मंदिर मस्जिद, तावीज, गंडा, न जाने क्या क्या ना, हर तरह की चीज अपनाते, लक्ष्य वही है कि ठीक हो जाए और हो जाए, कंसीव कर लें. तो हर तरह की चीज अपना लेते हैं और ये करते 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 हमारा एक्सपेक्टेशन एक ही है, हम करते चले जा रहे हैं. जब तक हम डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं और वहां भी यही सुनने को मिलता है कि संतानहीनता भी कोई चीज है या जरूरी नहीं है कि कंसीव करें ना, तो वो ऐसा लगता है उनको कि अब फ्रस्ट्रेशन का अंत है या आगे हम कैसे बढ़ें. मैं हमेशा लोगों से, जो आप टिप्स की बात कह रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक पूरा प्रोसेस है. ये जो ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं, एक्सपर्ट्स करते हैं, ये एक पूरा प्रोसीजर है और ये एक बार में सफल नहीं होता, या एक बार में या एक छोटी सी चीज में कि हमने एक टैबलेट खाया और ठीक हो गया, इतना आसान ट्रीटमेंट इसका नहीं है ना. ये भी उनको बहुत अच्छे से समझाया जाता है. इसकी तैयारी अगर, इसकी प्रिपरेशन अगर वो साइड बाय साइड करना शुरू कर दें कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम, द प्रोसीजर इज लॉन्ग, इट इज गोइंग टू हैव सो मेनी अटेम्प्ट्स, करेक्ट
तो शायद वो एक्सेप्टेंस शुरू से ही उस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब एम्फेसिस ये करना चाहूंगी कि ये जो हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि ये साइड बाय साइड चलता है, तो ये अगर हम लोग जिस समय हमने ये डिसाइड किया कि हमें ट्रीटमेंट लेना है, अगर हम उसी समय से साइड बाय साइड मेंटल हेल्थ की केयर करना भी शुरू कर दें कि हम स्ट्रेस ना हो, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से और डिसफंक्शंस बढ़ जाते हैं, तो वो उससे बचेंगे, और जो कुछ भी बढ़ रहा है स्ट्रेस ट्रीटमेंट के दौरान उसकी अनसर्टेनिटी के कारण से, उसके प्रोसीजर के लंबे होने के कारण से, टाइम के वजह से, वो उसको हम लोग ठीक करते चलेंगे ना, उसको हम लोग पहले से केयर करते चलेंगे। तो अगर वो साइड बाय साइड काउंसलिंग या थेरेपी को साथ लेकर कोई भी पेशेंट अगर चलेगा, तो निश्चित रूप से उसको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे अपने ट्रीटमेंट के लाइफ में। बिल्कुल, बहुत ही आपने सही कहा, क्योंकि मेरा भी यही अनुभव रहा है पिछले 15 सालों में कि जो कपल्स कंसीव कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, कई बार हमारे एज ए डॉक्टर भी मन में आता है कि ऐसी क्या वो चीज है कि ये कंसीव कर गए और ये नहीं करे। तो मेरा जवाब इसमें एक ही है कि दैट इज स्टैमिना। जो जिसके अंदर ये रेजिलियंस है कि एक स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसके बाद भी हमारी हिम्मत नहीं टूटे। कई लोग जोश में बहुत शुरू करते हैं, परंतु पहले दूसरे स्टेप के बाद जब डिसअपॉइंटमेंट है या डिले है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू भी जोश में करते हैं, परंतु एक दो स्टेप तीन के बाद भी उनका जो स्टैमिना होता है, ये आपके अंदरूनी ही ताकत होती है ये, और इसको जैसे मैडम ने कहा कि इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको कंटिन्यूअसली बढ़ा सकते हैं। भी ध्यान दिया बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना डॉक्टर प्रिया कि इसमें फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, किसी को भी होगा, तो इसलिए साथ साथ हमको इसकी केयर करना बहुत जरूरी है कि हमें होगा ही, हम सदमे से गुजरेंगे ही, हम इस डिप्रेशन वाले प्रोसेस से गुजरेंगे ही, हम जितनी जल्दी उस प्रोसेस को पार करके एक्सेप्टेंस एंड रेजिलियंस वाले स्टेज में आ जाएं, हमको उसकी कोशिश करनी है, राइट, और उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली मैडम, एक और चीज मुझे हमेशा बहुत ही फैसिनेट करती है, वो होती है रोल ऑफ द फैमिली। इंडिया में हमारा जो परिवेश है, वी आर नॉट अलोन, हम कभी भी दंपत्ति अकेले भी रहते हो तो भी हमारे आसपास जो परिवार का ताना बाना है, जो समाज का है, वो बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है। इनफर्टिलिटी में मैंने देखा है कि ये पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस करता है और ये नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि कई बार जो दंपत्ति बहुत निराश हो चुके हैं, घर का कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है, कहता है नहीं मैं चलूंगी आपके साथ, आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, जो भी समस्या है मैं आप वी विल टेक केयर, और उनकी हिम्मत पे वो आके और ट्रीटमेंट करा के सफल हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर ऐसे दंपत्ति होते हैं कि जहाँ पे सब कुछ होते हुए भी परिवार में टोका टाकी, एक निग्लेक्ट, एक आइसोलेशन, उसके कारण वो पहुंचते पहुंचते जो है वो रह जाते हैं। तो परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से हम उन्हें मोटिवेट करें परंतु हम इंटरफियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कपल्स को, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर हम लोग इंडियन मैरिज की बात करें तो हम एक व्यक्ति से मैरिज करते ही नहीं है, हम परिवार से मैरिज करते हैं। तो एक एक परिवार में जाती है एक लड़की, एक परिवार के साथ रहती है एक लड़की, भले वो शहर दूर हो, भले वो, लेकिन जैसे आपने कहा कि ताना बाना रहता है उनका, आपसी जो इंटरेक्शंस होते हैं वो परिवार के, परिवार वालों का असर उस पर पड़ता है। और तो बहुत जरूरी है जो आप भूमिका की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग थेरेप्यूटिक वे में बात करें कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यही भूमिका आती है परिवार की भूमिका, कि अगर सपोर्टिव है परिवार, न केवल पार्टनर या स्पाउस बल्कि हमारे बाकी पूरे परिवार भी अगर सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव इन द सेंस हर स्टेज में, जब पता चला कि हम इनफर्टिलिटी है, तो जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, जितना तो उस स्टेज में हमें सपोर्ट की जरूरत है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं वो तो होगा ही, अगर घर वाले इस पर प्रेशराइज करने लगते हैं तो डिले हो जाता है और डिमोटिवेशन आने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि उस स्वीकृति के समय हमारा सपोर्ट रहे। दूसरा, जो ट्रीटमेंट लेने की बारी आती है, तो एक उचित ट्रीटमेंट
साइंटिफिक ट्रीटमेंट और लगातार करने वाली ट्रीटमेंट के लिए जो सपोर्ट की जरूरत है, नेचुरली इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत पड़ती ही होगी, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और कई कई बार अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, कई फेजेस से गुजरना पड़ता है, तो जो आर्थिक हमारी चीजें कमजोर होने लगती हैं उसके लिए भी हमको वहां अगर बड़े लोग, घर के बड़े सदस्य खड़े हो जाएं कि यस दिस इज पॉसिबल एंड वी आर देयर, बस इतना ही सपोर्ट का इतना ही मतलब होता है कि वी आर देयर विद यू, वॉट एवर इज हैपनिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ मिलता है, ये जो है ना, ये हमारा लाइफ का पार्ट है, इस ना को स्वीकार करो, हम लोग साथ में हैं, आगे बढ़ो। तो ये जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ट्रीटमेंट असर करती है, उतना आप एक्सपर्ट्स को सुविधा हो जाती है शायद कि उनके साथ आगे बढ़ें। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो जो बहुत नियर एंड डियर वन होते हैं, उनका सपोर्ट तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है। इसके बाद अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो हम काउंसलिंग की बात करेंगे कि काउंसलिंग एक्चुअली लोग सोचते हैं कि इसमें क्यों काउंसलिंग, हम लोग भी तो समझ रहे हैं स्वाभाविक है, अगर डिप्रेशन स्वाभाविक है तो इसके लिए क्यों काउंसलिंग, काउंसलिंग से कोई क्या कर लेगा ना? मैं यहाँ पर दर्शकों को और श्रोताओं को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि काउंसलिंग से क्या होता है। काउंसलिंग सिर्फ एक ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिसमें वही कि दवाई दें और दूसरे दिन हम ठीक हो जाएं ना, इसमें हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज को हम इंक्रीज कर सकते हैं ना, हमारी एक एक कोई भी संकट आया, एक कोई भी परिस्थिति ऐसी आई जहां हमें कोई स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि हम उसके साथ सामना कर पाए, काउंसलिंग इसको इनहेंस करता है, आपको इनहेंस करता है ताकि आप अपनी समस्याओं को आराम से स्मूथली जूझ सकें। तो स्ट्रेटेजीज को इंक्रीज करने के लिए काउंसलिंग करते हैं, डिसीशन मेकिंग के लिए कई अल्टरनेटिव्स जो होते हैं ना, चाहे अडॉप्शन हो, चाहे वो आईवीएफ हो, चाहे कोई और प्रोसीजर हो, उन सारी प्रोसीजर में से कौन सा चुनना है, क्या उचित है, ये डॉक्टर बताते हैं लेकिन डिसीजन उनको लेना है, वो कैसे डिसीजन ले, इसमें काउंसलिंग हेल्प करता है। इमोशनली स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बार 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 से वो लोग, उनकी स्टेमिना कम होने लगती है, उनका मेंटल स्टेमिना कम होने लगती है और वो लोग थक चुके होते हैं, फैटीग आने लगता है, इसके लिए काउंसलिंग काम करता है। रिलेशनशिप इश्यूज को नेचुरली ठीक करने में मदद करता है ताकि आपस के एक आपस का एक इंटरेक्शन पॉजिटिव बना रहे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो कि बहुत स्वाभाविक है इस समय हो जाना, इन सब को टेक केयर करता है, काउंसलिंग से उससे फायदा होता है। फिर हाउ टू मैनेज योर फैटीग, हाउ टू मैनेज योर इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इवन घर वालों के साथ, समाज के लोगों से, लोग इतना पूछ रहे हैं हम कैसे उनका जवाब दें, अब हम क्या बोलें, तो लोग आइसोलेट कर रहे थे, अपने आप को काट लेते हैं, ऐसे में हमारा मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो हम उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करें, हम उनको क्या आंसर दें, हम उनको किस तरह से डील करें, हम उसके साथ साथ अपनी बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना जॉब, अपना सब कुछ, अपने अपनी दूसरी दिनचर्या को कैसे संभाल के रखें, ये सारी चीजों में काउंसलिंग हेल्प करता है ना, और इंडिविजुअल को सही डायरेक्शन लेने की ओर बढ़ाना या ऑप्शंस क्रिएट करना, टेबल पर ऑप्शंस रखना, ये काउंसलिंग में किया जाता है। तो काउंसलिंग से इतनी सारी चीजें उनको फायदा होती हैं ना, तो जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि साइड बाय साइड इसका चलना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ अगर हम लोग माइंडसेट की बात करें, थेरेपी की मैं अगर बात जोड़ती हूँ यहाँ पर, हम लोग इंटरपर्सनल थेरेपी करते हैं, हम लोग सपोर्टिव थेरेपी करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग जो सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या आरईबीटी करते हैं, इसमें मेनली हम लोग यही देखते हैं कि देखिए कोई इवेंट डायरेक्टली इमोशंस को जन्म नहीं देती है, मतलब इनफर्टिलिटी हुआ, हम डिप्रेस हुए या स्ट्रेस हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हम उसके बारे में सोचते हैं, आवर थॉट्स एक्चुअली आर द कॉज फॉर आर डिप्रेशन और स्ट्रेस, डायरेक्टली इवेंट नहीं होता। तो हम कैसे परसीव कर रहे हैं, हम कैसे, अरे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बहुत बुरा हो गया, ये तो बहुत बुरे ही, हमारी फैमिली ही खत्म हो गई, हम ही खत्म हो गए, ये जो हम सोचते हैं, और इस चेन ऑफ
थॉट से गुजरते हैं, ये हम परसिस्टेंटली रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं निगेटिव थॉट्स को, उससे हम स्ट्रेस की तरफ जाते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। तो नेचुरली जब हम लोग थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करते हैं तो हम लोग कहाँ काम करते हैं, हमारे थॉट्स पर, हमारे माइंडसेट पर, हमारे बिलीव्स पर, कि क्या ये सब सोचने से हमें सोल्यूशन मिल रहा है, शायद नहीं। क्या ये सब इलॉजिकल थॉट्स से कोई फायदा हो रहा है, नहीं, बल्कि हमारे बिहेवियर उस तरह से हो जाते हैं ना, देन जो हमारा थॉट इमोशन को कॉज करता है और इमोशन हमारे बिहेवियर को कॉज करता है और ये साइकिल हमारे अंदर चलता रहता है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग थॉट पर काम करें, हम उन माइंडसेट से निकलें कि ऐसा होना ही है, निराशा नहीं हो सकता, नो नहीं आ सकता जीवन में, फेलियर नहीं हो सकता जीवन में, इन सब से अगर हम निकलें कि नहीं ठीक है ना, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे ना, क्या सॉल्यूशन है, अगर हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी भी फेलियर के लिए यही चीज है, इसके लिए भी यही चीज है, तो अगर हम लोग उस पर काम करते हैं तो नेचुरली हम अपने इमोशंस पर, हमारी इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस हमारे कम और हमारे स्ट्रेस लेवल में कमी आने लगती है और हमारा बिहेवियर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगता है। तो ये जो चक्र है इस पर काम करना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग साइकोथेरेपी में करते हैं ना, बिहेवियर में भी करते हैं। इसके अलावा जो और थोड़े बहुत चीजें हैं, मतलब क्या मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर काम करें, उसको हम पहचाने, उसको हम चेंज करें, क्योंकि ये वॉलंटरी है, मतलब हम, हमारा थॉट हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर हम चाहें तो हम किसी भी तरह से अपने थॉट्स को बदल सकते हैं, हम ये नहीं सोचकर हम ये सोचें, हम अल्टर कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स और मैं जोड़ूंगी यहाँ पर, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स स्ट्रेस रिलीज करने में काम करती है ना, सवासन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, देन किसी भी योग निद्रा है, मेडिटेशंस हैं, इवन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, योगा है और माइंडफुलनेस है, जो हम लोग पास्ट या फ्यूचर को सोच सोच कर इतना स्ट्रेस में डाल रहे हैं, माइंडफुलनेस में हमारा कंसेप्ट होता है कि हम प्रेजेंट हेयर एंड नाउ में रहना सीखें, प्रैक्टिस करें, और अगर हम वो सीखते हैं तो हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, अभी में रहते हैं और हम उन स्ट्रेस से निकल पाते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हम अपना सकते हैं कोई भी, किसी भी समय, कभी भी, जिनसे हमें फायदा जरूर मिलता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आपने मैम टेक्निक्स बताए, और इस समय मैं बिल्कुल स्ट्रेस करना चाहूंगी जो मैडम ने कहा है। जैसे हम जब बीमार होते हैं, हमारा शरीर बीमार होता है, हम अधिकतर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो बताते हैं उसके हिसाब से हम इलाज लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। हमारा मन भी कभी कभी बीमार हो जाता है। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि हम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में यदि हम चलें, तब शायद न केवल हम अपने मन को ठीक कर पाएंगे बल्कि उसको पॉजिटिव साइड पे ले जा पाएंगे, जिससे वो हमारे ट्रीटमेंट में हमारा फ्रेंड बन जाएगा, न कि हमारा दुश्मन बन के हमारे टांग खींचेगा। तो लास्ट में मैम, इट वॉज रियली वंडरफुल गेटिंग ऑल दीज इनसाइट्स फ्रॉम यू। सच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डे टू डे फील करते हैं, वो आपने इतने अच्छे से हमें बताई हैं। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द कपल्स हु आर जिनको संतानहीनता है, जो इस ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, जो स्ट्रेस में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं को जो इस स्टेज से गुजर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्या जीवन में जो कुछ भी आपने चाहा वो मिला? शायद आपका आंसर होगा नहीं। क्या हमने जिस तरह से चाहा, जैसा चाहा, जिस तरीके से करना चाहा, ठीक वैसा ही हुआ? आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि क्या आप कभी असफल जीवन में नहीं हुए? आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या जीवन रेड कार्पेट और हमारे स्मूथ चलने वाली जीवन हमेशा ही रहता है? आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हमने कभी बिना कोशिश किए, बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस किए किसी चीज में परिपक्वता पाली या मैच्योर हो गए या सीख लिया या एक्सपर्ट बन गए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या रात या अंधेरा होने के बाद सुबह सवेरा नहीं होता है? होता है। क्या ऐसा होता है कि अंधेरा नहीं होता है, सुबह ही रहती है, या अंधेरा होता है तो कभी रोशनी नहीं होती है? आजकल तो हम लाइट भी जला देते हैं तो रोशनी अंधेरे में भी रोशनी हो जाती है। मेरा मतलब सभी दर्शकों से यह सिर्फ यही है कि
यही प्रकृति है, यही सत्य है, और यही एक सत्य का पार्ट है। संतानहीनता भी एक प्रकृति का ही पार्ट है, होना है या नहीं होना है। अगर हम उनमें से हैं, उन कुछ लोगों में से हैं, उन 14% में से हैं जिनको ये डिक्लेयर किया गया है कि संतानहीनता के शिकार हो रहे हैं, तो ये भी एक सत्य है, इसको हम लोग स्वीकार करें। अगर हम जल्द स्वीकार करेंगे तो निराशा, हताशा, इन सब से हम जल्दी बचेंगे, इन सब से हम जल्दी निकलेंगे, हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ अग्रसर होंगे। यहाँ हम चुप रहकर, छुपा कर कोई फायदा नहीं है। तो हम दुनिया में बहुत सुंदर ऑप्शंस हैं, उनको चुनें, उनको लें, खुश रहने की कोशिश करें। अब हम अगर खुश रहेंगे, हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम खुश रहेंगे, तो नेचुरली हम मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और हम जो चाह रहे हैं वो सफलता भी हमें मिलेगी। तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड जो जरूरत है, वो सबसे बड़ा संदेश है मेरा, कि अगर हम उस चीज को रखें तो शायद हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैम, बहुत ही अच्छे आपने मैसेजेस दिए। और अंत में मैं भी यही कहना चाहूंगी जो मैडम ने कहा है उसकी बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, और जो एक ही चीज है जो डिसाइड करेगी कि आप सफल होंगे या वो सफल नहीं होंगे, वो है आपके मन की शक्ति और आपका स्टैमिना। तो इस स्टैमिना को बनाए रखिए, अपने डॉक्टर से शेयर करिए, जरूरत पड़े तो साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग लेने से बिल्कुल मत हिचकिए, क्योंकि जिस प्रकार हम शरीर की को मजबूत बनाते हैं जिम जाकर एक्सरसाइज कर, वैसे ही अपने मन को अगर हम मजबूत बनाते हैं तो सफलता पाने से जो है वो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी, और फिर से रियली आपको मैडम बहुत बहुत थैंक्स, आप आए और इतनी अच्छी थैंक आपने यू बातें हमारे डॉक्टर, थैंक यू दर्शकों सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।